Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच की पहली पारी में सर रविंद्र जडेजा ने ऐसी पारी खेली कि अब हर किसी की जुबान पर उनका नाम है। और वो पारी खेलने के बाद जब वो मीडिया से बात करने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तब मीडिया ने भी मौका देखकर उनसे कई सारे सवाल किए। सवाल इस पारी को लेकर तो किया ही गया, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में लंबे वक्त से था कि आखिर सीएसके की कप्तानी जब जडेजा को दी गई, कुछ दिनों बाद टीम क्योंकि फेल होती रही, कुछ दिनों बाद खबर आती है कि जडेजा अब कप्तानी नहीं करेंगे, एमएस धोनी के पास वापस कप्तानी सौंप दी गई सीएसके की। और उसके बाद एकाएक खबर आती है कि जडेजा को चोट लग गई है और वो आईपीएल से इस सीजन से बाहर हो गए, अब खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। सबके मन में ये सवाल आया कि क्या कुछ सीएसके के साथ उनकी अनबन हो गई है। उस वक्त जडेजा ने डिसाइड किया कि वो चुप रहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई भी बयान उन्होंने आकर कहीं पर भी नहीं दिया। लेकिन अब जब मीडिया उनके सामने थी, तब मीडिया ने मौका नहीं छोड़ा और उनसे इसका जवाब निकलवाया। जवाब में जडेजा ने क्या कहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन काफी निराशाजनक रहा था। आईपीएल 2022 की शुरुआत में सीएसके ने रविंद्र जडेजा को एमएस धोनी की जगह कप्तान बनाया, लेकिन शुरुआती 8 मैचों में लगातार हार के बाद जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी। इस दौरान जडेजा का प्रदर्शन काफी फीका रहा, बैट और बॉल दोनों से ही जडेजा टीम को जिता नहीं पाए, जिसके बाद फिर से सीएसके की कप्तानी की जिम्मेदारी एमएस धोनी ने संभाली। बाद में जडेजा चोटिल होने की वजह से आईपीएल 2022 के बाकी मैचों से बाहर हो गए थे, जिसके बाद जडेजा के कप्तानी छोड़ने और चोटिल होकर बाहर जाने को लेकर काफी कुछ लिखा गया और कहा गया, लेकिन जडेजा ने चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब रविंद्र जडेजा ने आईपीएल में कप्तानी विवाद को लेकर बड़ी बात कही है। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में जारी पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जडेजा ने कहा कि वो अब उस घटना से आगे बढ़ चुके हैं, साथ ही उनका पूरा ध्यान अब भारत के लिए खेलने और अच्छा प्रदर्शन करने पर है। जडेजा ने कहा, जो हुआ सो हुआ, बैटिंग के दौरान आईपीएल मेरे दिमाग में नहीं था। जब भी आप भारत के लिए खेल रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान भारतीय टीम पर होना चाहिए, मेरे लिए भी ऐसा ही था। भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करने से बेहतर मेरे लिए कोई और संतुष्टि नहीं है। अपने शतक को लेकर जडेजा ने कहा, भारत के बाहर खासकर इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करना वाकई अच्छा लगता है। एक खिलाड़ी के रूप में 100 रन बनाना मेरे लिए बड़ी बात है, विशेष तौर पर इंग्लिश कंडीशंस में 100 रन बनाने के बाद मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूं। अगर आंकड़ों की बात करें तो रविंद्र जडेजा पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े तारणहार रहे हैं। जडेजा ने अभी तक कुल 60 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 37 की औसत से 2500 रन बनाए हैं। इस दौरान जडेजा ने 3 शतक और 17 अर्धशतक जड़े हैं और जडेजा का हाईएस्ट स्कोर 175 रन का है। जड्डू की बॉलिंग की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में जड्डू के नाम अब तक 242 विकेट दर्ज हैं। 48 रन देकर 7 विकेट जडेजा का बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2.43 की बॉलिंग औसत के साथ जडेजा ने मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा एक बार और 5 विकेट 10 बार लिया है। तो चलिए अब हम और आप भी यही कहेंगे कि चलिए जो हुआ सो हुआ, जैसा जडेजा ने कहा कि वो पुरानी बात थी और उससे अब वो आगे बढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसी पारी उन्होंने अभी खेल कर दिखाई है इस पांचवें हिस्टोरिक टेस्ट मैच में, जब टीम को उनकी बेहद जरूरत थी, उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी पारियां और भी आगे दिखाते रहेंगे ताकि उनके फैंस यानी कि आप लोग इसी तरह से खुश होते रहें, एंटरटेन करते रहें और टीम इंडिया को आगे और ले जाते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्पोर्ट्स तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।